हेलो दोस्तों, किंग्स ऑफ वर्चुअल यानी कि टेक्निकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक और जियो की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जियो ने कल ही यानी 14 फरवरी को अपना एक अपडेट लॉन्च किया है। एक नहीं, आप उसको दो मान सकते हैं, जिसमें से एक मेजर अपडेट है अपने फेसबुक ऐप का। जी हाँ, कल जियो ने 14 फरवरी को अपनी फेसबुक की ऐप लॉन्च कर दी जियो फोन के लिए, और साथ ही साथ उसने अपने सिस्टम अपडेट भी दिया है। ये सिस्टम अपडेट चौथा या पांचवा अपडेट होएगा, जिसमें आपको सिर्फ स्टेबिलिटी ही मिलती है। तो अपन सबसे पहले अपन सिस्टम अपडेट की बात कर लेते हैं, फिर अपन आते हैं फेसबुक की ऐप पे। तो अपन को सबसे पहले करना क्या है, अपन को सबसे पहले अपना नेट ऑन करना है। जब अपन ने नेट ऑन कर लिया तो फिर आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको राइट की दबानी है, फिर आप डिवाइस पे आ जाएंगे तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका चेकिंग होगा, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने अपना सिस्टम अप टू डेट है, यानी मेरा अपडेट हो रखा है। ये मैंने कल ही अपडेट कर लिया था इसको, तो आप भी इसको ऐसे जाके अपडेट कर सकते हैं। बस मेरे यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, आपका अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा। जब आप ये कर लेंगे तो आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ जाएगा, यानी पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। फिर अपन बात करते हैं फेसबुक ऐप की, जो एक मेजर अपडेट है जियो फोन की तरफ। तो अपन को करना क्या है, अपन को सबसे पहले जियो स्टोर खोल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जियो स्टोर खोल लिया। फिर आपको राइट की दबा के सोशल पे चल जाना है, नहीं तो आप ऑल में से नीचे भी जा सकते हैं। अगर आप ऑल में से जा रहे हैं नीचे, तो आपको फेसबुक की ऐप जियो चैट के नीचे दिख जाएगी, और बगल से जा रहे हैं यानी राइट की दबा के जा रहे हैं तो सोशल पे आपको थर्ड नंबर पे आपको दिख जाएगी। फिर आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। अपन इसको बैक करके एक बार मेन्यू में भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेन्यू के लास्ट में मेरे फेसबुक की ऐप आ गई। इसको अपन खोल के देख लेते हैं कि कैसा इंटरफेस डिज़ाइन किया फेसबुक ने जियो फोन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल चुकी है। हम यहाँ पे इसको लॉग इन करके अब एक बार इंटरफेस चेक कर लें इसका कैसा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक आईडी लॉग इन कर दी है, तो आप देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा लुक है। यानी जो आपको नॉर्मली फ़ोनों में देखने को मिल जाएगा, अगर ये बेसिक लुक होता तो शायद इस फ़ोन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता। वैसे भी ये ठीक है, तो इसमें ये आपको मिल जाएगा जिससे आप पहले से रूबरू हुए इंटरफेस से। तो आप अपने ऐसे जियो फोन में फेसबुक ऐप और सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अपनी, और बात हुई ये तो फेसबुक ऐप की आ गई। अब हॉटस्पॉट कब आएगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले आपके व्हाट्सएप आएगा। व्हाट्सएप आने के कुछ टाइम बाद आपके हॉटस्पॉट आएगा, लेकिन उसकी डेट अभी तक नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये फेसबुक ऐप पिछले साल 2017 के नवंबर के एंड में आनी थी, लेकिन अब जाके जियो फोन ने इसको अपने यूज़र के लिए लॉन्च किया है, तो उसकी कोई डेट अभी बता नहीं सकते कोई भी। इतना ऐप पहले कि आपके व्हाट्सएप आएगा, फिर उसके बाद ही हॉटस्पॉट आ पाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।